वेल दोस्तों, खूब लड़ी मर्दानी, बिग बॉस सीजन 14 का घर बना झांसी और झांसी की रानी बन बैठी रूबीना दिलैक। जी हाँ दोस्तों, रूबीना दिलैक को एक नया अनोखा टाइटल दिया गया। उनके फैंस ने दिया एक अनोखा टाइटल। क्या है वो टाइटल, आइए हम आपको बताते हैं आज के स्पेशल रिपोर्ट में यही बात। वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 14 से जुड़ी हुई चटपटी और लेटेस्ट खबरों को लेकर एक बार फिर हम आप सभी दर्शकों के उपलक्ष हाजिर हैं बिग बॉस सीजन 14 से जुड़ी हुई एक धमाकेदार और एक्सक्लूसिव खबर को लेकर। सबसे पहले हम आप सभी दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि बिग बॉस सीजन 14 की कंटेस्टेंट रूबीना दिलैक काफी छाई हुई हैं और साथ ही साथ उन्हें उनके फैंस एक अलग अलग नाम से बुला रहे हैं बिग बॉस सीजन 14 के घर के बाहर। जो सोशल मीडिया में जो भी वार चलता है, बीबी ट्रेंड मास्टर के नाम से जाना जाता है रूबीना दिलैक को और साथ ही साथ बीबी शेरनी के नाम से भी जाना जाता है रूबीना दिलैक को। इसके साथ ही साथ क्वीन के नाम से जाना जाता है रूबीना दिलैक को और साथ ही साथ क्वीन क्यों बुलाया जाता है ये आप सभी दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि एक क्वीन की तरह ही बिहेव करती हैं और साथ ही साथ उनका जो भी जेस्चर रहता है वो पूरी तरह से क्वीन की तरह ही लगता है, देखने में ऐसा लगता है। और साथ ही साथ एक नया अनोखा नाम दे दिया है उनके फैंस ने और वो अनोखा नाम जो है वो दिया है झांसी की रानी। जी हाँ दोस्तों, खूब लड़ी मर्दानी, झांसी की रानी बन बैठी रूबीना दिलैक। बीते एपिसोड को आप सभी दर्शकों ने अच्छी तरह से देखा होगा। बीते एपिसोड में आप सभी दर्शकों को देखने के बाद शेरनी बन बैठी है रूबीना दिलैक और साथ ही साथ बीते एपिसोड को देखने के बाद ऑडियंस, फैंस, बिग बॉस सीजन 14 के रियल जो फैंस हैं वो रूबीना दिलैक को एक अनोखा टाइटल दे रहे हैं झांसी की रानी। और साथ ही साथ झांसी की रानी इसलिए टाइटल दे रहे हैं क्योंकि लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने हक के लिए जिस तरह से लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजों से जिस तरह से मुकाबला किया था, उसी तरीके का मुकाबला देखने को मिला बीते एपिसोड में रूबीना दिलैक। और साथ ही साथ रूबीना दिलैक एक तरफ थी, अभिनव शुक्ला एक तरफ थे और बाकी के सारे सदस्य जो हैं एक तरफ थे। बाकी के सारे सदस्य जो हैं रूबीना दिलैक को मजबूर करने की कोशिश कर रहे थे कि वो अपना हथियार पूरी तरह से नीचे जमीन में डाल दे, लेकिन रूबीना दिलैक भी कच्ची खिलाड़ी नहीं है। रूबीना दिलैक का हर एक सदस्य को घाट घाट का पानी पिलाने में पूरी तरह से सक्षम रही। सबसे पहले राहुल वैद्य की उन्होंने बैंड बजाए, जो बैंड बजाए उसे देखकर तो काफी हमें अच्छा लगा। इसके बाद निक्की तंबोली के पास आती है, निक्की तंबोली को एक्सपोज कर देती हैं, जैस्मिन बसीन तो पहले से ही एक्सपोज हैं, जैस्मिन बसीन को और भी ज्यादा एक्सपोज कर देती हैं जो रूबीना दिलैक हैं वो। वेल दोस्तों, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं प्लीज हमें अपने कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। तब तक ले बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज की रिपोर्ट।